आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। शहर में आज मिले 8 और पॉजिटिव, अब आंकड़ा पहुंचा 415 पर। नई जिला कलेक्टर नितिन मेहता ने किया पदभार ग्रहण। जिला कलेक्टर नितिन मेहता हुए पत्रकारों से रूबरू। कोविड सेंटर्स की व्यवस्था को सुधारना पहली प्राथमिकता। शहर परकोटे में कोरोना के कहर से गलियों में पसरा है सन्नाटा। एबीवीपी ने परीक्षाओं का विरोध करते हुए किया प्रदर्शन। बेनानी कन्या महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में भी छात्राओं ने परीक्षाओं का किया विरोध। गुरु पूर्णिमा अपने घरों में ही मनाएं, कहा स्वामी विवेकानंद गिरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं बीकानेर शहर का। कोना कोना अब कोरोना से भर चुका है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोरोना के मरीज नहीं हो। अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, अब ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। सरकारों ने हमें बहुत बार चेतावनी दे दी, हमें एडवाइजरी दे दी, अब हमें इन एडवाइजरी का पालन करना है और खुद पर संयम रखते हुए अपने जरूरी काम को भी पूरा करना है और कोरोना के संक्रमण से खुद का बचाव भी करना है। कुल मिलाकर के बचाव ही उपचार है, इस बात को अब चरितार्थ भी करना है। बीकानेर शहर परकोटे के भीतर जिस तरह से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वह एक चेताने वाला और सोचने वाला विषय जरूर बन गया है। हर संजीदा व्यक्ति इस बात को सोच रहा है कि इसे कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचाया जाए और ऐसे में वहाँ के दुकानदार, वहाँ के लोग, पाटों पर बैठने वाले लोग, इन सब की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे इस कोरोना के संक्रमण से न केवल खुद को बचाएं बल्कि अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को भी बचाएं। आज एक बार फिर से 8 पॉजिटिव मरीज मिलने से अब बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है 415 पर। बीकानेर के नए जिला कलेक्टर नितिन मेहता ने अपना कार्य ग्रहण किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पदभार ग्रहण किया। जिला कलेक्टर नितिन मेहता ने पदभार ग्रहण के साथ ही जहां पत्रकारों से मुलाकात की, पत्रकारों से मुलाकात करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। बीकानेर शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जिला कलेक्टर के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है। पहले उनका लिटमस टेस्ट ऐसी बात पर होगा कि किस तरह से बढ़ते संक्रमण को भी रोक सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के बहुत संजीदगी से जवाब दिए और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी दर्शा दी। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए संक्रमण को रोकना उनकी प्राथमिकता है, कोविड सेंटर्स की जो स्थितियां हैं उनको सुधारना उनकी प्राथमिकता है और इसके अलावा एडवाइजरी को फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में वे नहीं चूकेंगे। आइए देखें क्या कुछ कहा नए जिला कलेक्टर नितिन मेहता ने। को लेकर जो मेजर प्राथमिकता ये रहेगी कि बीकानेर एक बड़ा शहर है और शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड की गुंजाइश रहती है, उसको हम रोक सके। सैम्पलिंग हम अभी जो हो रही है उसका और स्तर हम सैम्पलिंग का बढ़ाएं और साथ ही जो हमारे कोविड केयर सेंटर और जो कोविड हेल्थ सेंटर है उसकी व्यवस्थाएं एक बार मैं रिव्यू करके और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए जा सके ताकि जो मरीजों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वो ना। टिड्डी दल तो जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, जैसलमेर में भी उसका काफ़ी होता है या बीकानेर के अंदर भी बॉर्डर एरिया लगता है, तो
वहाँ हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना ज़्यादा फार्मर्स को जोड़ सकें, बिकॉज बिना किसानों को इस पूरी मुहिम में जोड़े इस पे एक प्रभावी जो इसका कंट्रोल है वो संभव नहीं होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फार्मर्स को भी इस ड्राइव में जोड़ें, अपने रिसोर्सेज का चिन्हीकरण करें और जितने हमारे बड़े सेंटर्स हैं पूरे बीकानेर जिले के अंदर उन सेंटर्स के ऊपर हमारी टीम्स रहे और वहाँ लोकली जब भी कोई टिड्डी की सूचना हो तो जो एक्शन है कंट्रोल है वो फास्ट हो सके। 24 घंटे में या मैक्सिमम अगर कभी हो जाए तो 48 घंटे में रिपोर्ट आई जानी चाहिए, वो मैं क्योंकि मेरे को इस पूरे उसकी जानकारी नहीं है, पर वी विल ट्राई इंश्योर कि यहाँ पे 24 से 48 घंटे में सबके नतीजे आए। कोविड सेंटरों में और कोविड हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो बेसिक व्यवस्थाएं होती है, कोई भी जिस भी आप व्यक्ति को पॉजिटिव होने के बाद वहाँ रख रहे हैं तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ के ऊपर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके जो टॉयलेट्स है, साफ़ सफाई है, वो बढ़िया हो ताकि जब तक व्यक्ति वहाँ है उसको ये नहीं लगे कि वो किसी सजा काटने के तौर पे वहाँ पर लेके आके उसको रखा गया है। तो उस तर्ज पे हम सारे जितने भी हमने यहाँ पर आपने सेंटर्स बना रखे हैं बीकानेर के अंदर, हम उन सारे सेंटर्स का एक बार एज ए टीम विजिट करेंगे जिसमें नगर परिषद के लोग, नगर निगम है यहाँ तो नगर निगम के लोगों को, मेडिकल और सब पुलिस की भी टीम को हम साथ रखेंगे और वहाँ पे क्या क्या जो भी कमियाँ अगर कोई है ऐसी पाई जाती है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार विभाग है उसको तुरंत कहकर उसको सरकारी एडवाइज की मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का ज़्यादा से ज़्यादा चलान काटें, परंतु अगर यदि ये फीडबैक रहता है कि यहाँ पर एडवाइजरीज के बाद आईसी करने के बाद भी लोग अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि हमें उनके विरुद्ध पिनल कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी और उसके लिए भी हम सारे हमारी जो टीम्स हैं उसको हम ये स्ट्रिक्टली कहेंगे कि अगर कहीं इसका वॉयलेशन ज़्यादा हो रहा है या वॉयलेशन की हमारी समझाइश के बाद लोग नहीं मानते तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई। शहर परकोटे के भीतर कोरोना के संक्रमण से आम लोगों को खौफ में डाल दिया है, यही कारण है कि अब बिना कर्फ्यू भी जो है वो गलियां सूनी हैं और सन्नाटे से शहर पसरा है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने अपने कैमरे में इन गलियों की कुछ तस्वीरें कैद की है, दिखाते हैं हम आपको शहर की सूरत हाल। तो है अभी अभी काफी, कल भी आए काफी लोग, कल भी आए तो उसको देखते हुए क्या लोग अब मास्क सैनिटाइज करने लगे हैं? अपने मास्क सैनिटाइज करने लगे हैं, हम दुकानदार भी उनको कहते हैं बगैर मास्क कम सामान नहीं देंगे। अच्छा, तो स्थानीय जो पार्षद है वो सैनिटाइज करवा रहा है या नहीं करवा रहा है? वो तो पूरा सहयोग कर रहा है और प्रशासन द्वारा, प्रशासन द्वारा भी सहयोग हो रहा है, सहयोग हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि कब तक ऐसा चलेगा या उसके बचाव के लिए? ये तो हमारी है, इसमें तो जितना सुरक्षा अपना करेगा उतना ही होगा। दिनों से कोरोना ने खौफ बनाए रखा अपने, खौफ के कारण सारे लोग शहरवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको देख के हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने कल रात को आदेश, कर्फ्यू का आदेश किया था और प्रशासन ने बहुत ही हमारे शहर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है और हम आगे भी आश्वासन सरकार को देते, हम सरकार के हाथ मिला के सरकार का साथ देंगे और जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर काम होने चाहिए, घर से बाहर निकले और बाहर ना निकले, 10 साल के बच्चे कभी भी बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MGS यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का विरोध किया है, वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में जहां संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है ऐसे में अब परीक्षाओं को स्थगित करें और बिना परीक्षा ही छात्रों को क्रमोन्नत करें। दिखाते हैं हम आपको कि कैसे ABBV के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अरे नहीं नहीं अशोक ना सही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद अशोक गहलोत, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
हमने यहाँ पर एबीपी छात्र नेताओं से बातचीत। राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि वो होटलों में दिखे थे, उसके बाद में हमने बहुत बार पता करने की कोशिश की कि वो कहाँ पर है। हमने कुलपति के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया, वो पता किया कि वो कहाँ पर है। अब हमें जैसे सूचना मिली है कि वो राज्यसभा चुनाव के बाद गायब है, और ऐसा सूचना मिली है कि समुद्र के अंदर कोई जहाज जा रही थी उसके अंदर वो। हम लगातार पिछले एक हफ्ते से सबको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर किसी ने भी कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। इसीलिए हम नहीं मानी जाती, तो हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बीकानेर के अंदर भूख हड़ताल करेंगे, और हमारी अगर जान को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी होंगे। वहीं नथुजर गेट के बाहर बिनानी कन्या महाविद्यालय की छात्रा संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में भी छात्राओं ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, और प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात उन्होंने कही। दिखाते हैं उनके विरोध प्रदर्शन के संवादित अंश। हमने यहाँ पर छात्रा संघ अध्यक्ष से की बातचीत। कोरोना महामारी के चलते भाई लड़कियाँ पेपर देने में सक्षम नहीं है, तो हमने प्रदर्शन किया कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को 10% ज़्यादा देख के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाए, उनको पास किया जाए। देखो सबसे पहले हमने विद्यार्थियों से वादा किया था, जब हम चुनाव आए जीतते थे चुनाव में, तो हमने सबसे वादा किया था कि हम आपके हित के लिए लड़ेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि भाई लड़कियों मतलब कोई भी मुसीबत ना हो, लड़कियां मतलब शहर सिटी से आ रही हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो इसके कॉलेज के आसपास भी कोरोना बहुत ज़्यादा है। कॉलेज के आसपास लड़कियां आने में सक्षम नहीं है, उनका कॉल पे कॉल आ रहा है कि भाई हम पेपर देने के लिए नहीं आ सकते, तो कुछ करो। तो हमने इस देखते हुए NSUI की पूरी टीम ने सारे महाविद्यालयों में जाके प्रदर्शन स्टार्ट किया है, धरना स्टार्ट किया है। टायर जला के प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पर खड़े हो जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे अमृत मंथन, जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोटगेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन की अल्लाह, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। SDP मेमोरियल स्कूल को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, stress-free, bias and independent learning atmosphere, emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1, admission open for nursery to 12th, SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner, new campus, sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner, mobile 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में बीकानेर में भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। दिखा रहे हम आपको उनकी प्रदर्शन के संपादित अंश। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पर अत्याचार, अत्याचार से क्या बुरा पाप, बुरा पाप, बुरा पाप। अत्याचार से क्या बुरा पाप, बुरा पाप, बुरा पाप। सब के लिए बुरा पाप, बुरा पाप, बुरा पाप। सब के लिए तेरी कब्र खुदेगी, हाँ तेरी कब्र खुदेगी। दलितों पर अत्याचार बंद करो। वहीं हमने बातचीत की भीम आर्मी के मुखिया से। राजस्थान की जो कांग्रेस की जो अशोक गहलोत सरकार है, उस सरकार के उस राज्य पूरे राजस्थान में जो आए दिन दलितों पे, मुस्लिमों पे और आदि पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो अशोक गहलोत सरकार है, कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है ठोस, तो उसके खिलाफ आज पूरे राजस्थान में भीम आर्मी की तरफ से कलेक्टर के मार्फत अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया गया है। और हम गहलोत सरकार की घोर निंदा करते हैं और उनको ये इस ज्ञापन के माध्यम से अगवा कराना चाहते हैं कि ये जो राजस्थान में आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर आप संज्ञान। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। हालांकि पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन गुरुजनों की पूजा की जा सकती है। और इसमें दंडीनाथ गिरी मठ के पीठाधीश्वर विशोकानंद गिरी जी महाराज से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह एक पावन पर्व है और खास तौर से कोरोना के संक्रमण काल में लोगों को भीड़ से बचना चाहिए और अपने घरों में रह करके ही वे अपने गुरु का पूजन करें। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है स्वामी विशोकानंद गिरी जी का। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वं पिता त्वं च माता मे, त्वं बन्धुस्त्वं च देवता, त्वं मुक्तिप्राप्तिहेतुश्च, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत व्यास पूजा, गुरु पूजा होनी थी, लेकिन जन कल्याण, समाज कल्याण के हित को सर्वोपरि मान करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अपने घर पर ही गुरु के छाया चित्र गुरु मूर्ति का पूजन किया जाए और वहीं से मानसिक रूप से आशीर्वाद आदि प्राप्त किया जाए। ऐसा हमने भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन सूचना दी गई है उसको महत्व देते हुए हमने भी अपने शिष्यों को, भक्तों को यही सुझाव दिया है कि आप मास्क लगाएं, दूरी का ध्यान रखें और अनावश्यक बाहर नहीं घूमें। गुरु पूर्णिमा पर निसंदेह लोग भावना में आकर के बहु संख्या में उपस्थित रहते हैं, जिससे कि इस रोग का फैलने का ज़्यादा चांस होता है। तो हमारा सबको यही निर्देश है कि एक बार एकलव्य के जीवन में ऐसा संकट आया था और गुरु द्रोणाचार्य उनसे दूर हो गए थे, तो एकलव्य ने जंगल में अपने निवास पर द्रोणाचार्य की मूर्ति की पूजा उपासना की थी, जिससे कि वो कौरव पांडवों से धनुर्विद्या में आगे निकल गए थे। और हमारे यहाँ तो मानसिक पूजा का विशेष महत्व बताया है, तो सबको यही सुझाव है कि वो मोबाइल से और अन्य
अपने अन्य साधनों से गुरु दर्शन करें, गुरु से आशीर्वाद लें, संवाद करें, जिससे कि सबके हित में रहे। और चलते चलते डालते एक नजर आज की खास खास खबरों पर। शहर में आज मिले 8 और पॉजिटिव, अब आंकड़ा पहुंचा 415 पर। नई जिला कलेक्टर नितिन मेहता ने किया पदभार ग्रहण। जिला कलेक्टर नितिन मेहता हुए पत्रकारों से रूबरू, कोविड सेंटर्स की व्यवस्था को सुधारना पहली प्राथमिकता। शहर पर कोटे में कोरोना के कहर से गलियों में पसरा है सन्नाटा। एबीवीपी ने परीक्षाओं का विरोध करते हुए किया प्रदर्शन। बेनानी कन्या महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में भी छात्राओं ने परीक्षाओं का किया विरोध। गुरु पूर्णिमा अपने घरों में ही मनाएं, कहा स्वामी विवेकानंद गिरी। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।